हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी सीएचएसएल जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप सबके सामने लेकर आया हूं। और ये सभी क्वेश्चंस होंगे 10 MCQ फॉर्मेट में, और इन सभी क्वेश्चंस के सही जवाब आपने देने हैं और खुद से एक बार पूछना है कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। अगर आपके आंसर 10 out of 10 आपके नंबर रहते हैं, अगर आप 10 में से 10 का सही जवाब देते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप जीएस में अपना कम समय दीजिए और उस सब्जेक्ट में समय दीजिए जिसमें आप लोग वीक होंगे, राइट? तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एक अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें पूछ रहा है कि हाइडेप्सिस का जो युद्ध हुआ था वो किन दो के मध्य लड़ा गया था। तो आपको याद होगा ये वॉर, तो अगर याद है तो इसका राइट आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सिकंदर और नेचारस, सिकंदर और अम्बी, सिकंदर और पोरस, सिकंदर और धनानंद। दोनों ही लैंग्वेज में सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जिस भी लैंग्वेज के प्रति आप कन्वीनियंट होंगे वैसे क्वेश्चन रीड करिए। हिंदी वाले हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको छोटा सा हिंट इसमें दूंगा। देखिए, जो ये नेचारस था, ये एक्चुअली एक हिस्टोरिकल राइटर था। किसका? अलेक्जेंडर का। तो अलेक्जेंडर जहाँ जहाँ पे जाता था, नेचारस उसके साथ जाता था, ये तो क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में वॉर नहीं हो सकता। अभी बात करता हूँ डी की। चलिए, अलेक्जेंडर और धनानंद। देखिए, अलेक्जेंडर का प्लान था धनानंद के साथ में वॉर करने का। कुछ घंटे का वॉर हुआ भी, फिर बाद में अलेक्जेंडर ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब कि अपने घुटने टेक दिए, तो ये वॉर खत्म हो गया। लेकिन उस वॉर का नाम ये नहीं था, और वो वॉर इतना लंबा नहीं था कि हिस्ट्री में उसको कोई नाम दे दिया जाए। तो वो हुआ और गया, ठीक है। ए और डी नहीं हो सकता, बचे आपके बी और सी। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर और पोरस। पोरस की इसमें हार हुई थी और सिकंदर इसमें जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चोपानी मांडो में डैस के सबसे पहले प्रमाण पाए गए किसके? कृषि के, मिट्टी के बर्तन के, मिट्टी की बस्तियां, या फिर जुते हुए खेत? फटाफट लगाइए आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मिट्टी के बर्तन। देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आप प्लीज हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता होती है, उसके बारे में पक्का पढ़ लेना। उसका जो सर्वमान्य काल था वो कितने से कितने था, ये आपको पता होगा। 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक उसका काल माना गया है। और हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। और कब करी थी, कौन सी नदी के किनारे ये है, और मोहनजोदड़ो जो है कौन सी नदी के किनारे है, किसने किसकी खोज करी थी, कब करी थी, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं एक ही वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं कर सकता। अगर आपको डीप में स्टडी करनी है तो लुसेंट की जो बुक है उसको प्लीज़ आप एक बार जरूर रीड करना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन से शासक ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया? अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर बाबर? अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी का कार्यकाल पता होना चाहिए, और किसका बेटा कौन था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये सीरीज आपको तरीके से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाबर की। आप तो पहले अपना आंसर लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको हिंट दूंगा, थोड़ा बहुत आपको याद भी आएगा, जिसको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बाबर का तो काल केवल 4 साल का था, 1526 से लेकर के 1530 तक, ये तो पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक का काल वैसे वास्तव में बहुत बड़ा था, 1324 से लेकर के 1351, लेकिन इससे भी अधिक काल था आपका औरंगजेब और अकबर का। औरंगजेब की बात करूँ तो 1659 से लेकर के 1707 तक इसने राज करा था, और 1526 या अकबर जो है इसने 1526 से लेकर के 1605 तक इसने पूरा अपना शासन करा था। अब लगाइए कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपको याद रहेगा, ये 50 साल से ऊपर का बन रहा है अकबर, तो अकबर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, कौन से कर का भुगतान केवल मुसलमानों के द्वारा किया जाता था? जकात, खराज, खुम्स, या फिर जजिया? जजिया कर जो था वो तो केवल हिंदू लोग देते थे इस टैक्स को, या फिर मैं आपसे बोलूँ नॉन मुस्लिम लोग देते थे। और जो जकात था, जकात जो होता था, आपको शब्द लग रहा है जकात, जकात एक मुस्लिम शब्द की थोड़ी सी इसमें फीलिंग आ रही है। तो इसमें क्या था, इसमें जो रिच मुसलमान थे अपनी टोटल इनकम का 2.5% चैरिटी में देते थे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ए।
जकात। क्वेश्चन नंबर 5, तुगलक वंश के समय निम्न में से कौन सा विभाग स्थापित किया गया था? दीवाने बंदगान, दीवाने कोई, दीवाने खैरात, ये सभी। तो फटाफट लगाइए इसका आंसर। देखिए ए बी सी डी ये सभी जो है, दीवाने खैरात बहुत फेमस था इसमें, और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। और आपको मैं इन शॉर्ट में एक बार बताऊं, जो भी डिपार्टमेंट थे, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट, जो भी अच्छा काम करा वो वास्तव में करा था तुगलक वंश ने। अगर बात करूं वैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर में कौन इंपॉर्टेंट था, तो वो था आपका अकबर। अकबर ने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग तुगलक वंश की। देखिए जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो था, आपका रोजगार जो ऑफिस था, विभाग था, वो उसकी स्थापना भी किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तुगलक वंश से संबंधित, और आपको ध्यान से अगर आप देखो कि उसमें आपको मिले फिरोज शाह तुगलक, तो आपको उसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक ही लगा के आना है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी काफी फेमस था और इसमें ये सभी विभाग की स्थापना करी थी तुगलक वंश ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक बार अकबर के बारे में, कि दास प्रथा का अंत किसने करा था? एग्जाम में ये पूछता है, तो वो भी करा था अकबर ने, ये आपको पता होगा, लेकिन वहाँ पे आपसे उसका वर्ष पूछ सकता है और जजिया कर पूछ सकता है आपसे कि समाप्ति कब करी थी इसने। जजिया कर की समाप्ति करी थी 1564 में अकबर के द्वारा, दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में अकबर के द्वारा। उसके बाद में दीन इलाही, इलाही संवत की शुरुआत, राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब करी थी, ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा एग्जाम देते हो तो थोड़ा सा तैयारी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, दर्शन का सबसे पुराना संप्रदाय था क्या? न्याय, योग, सांख्य या फिर मीमांसा? अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आपने लगा लिया होगा, इसका राइट आंसर है सांख्य। और टोटल जो हमारे दर्शन थे, जिसको बोलते थे फिलोसफिकल जो स्कूल होते थे, वो थे 6, ठीक है। और जो ये न्याय होता था, जो न्याय दर्शन था, ये एक लॉजिकल थिंक पर बेस्ड था। और योग जो होता था आपका, बी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें ब्रीदिंग को कंट्रोल करके हर चीज पर एक्शन करा जाता था, ठीक है। न्याय, योग और सांख्य, सांख्य सबसे पुराना हो गया। बात करते हैं डी, मीमांसा की। चलिए मीमांसा वाला आप मुझे खुद कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझको भी चले पता कि आपने कितनी ईमानदारी से अब तक पढ़ा है। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को अगर इतना डिस्कस करूंगा तो अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आई नो वेरी वेल कि आपके पास केवल 1 GB का डाटा मिलता है, पड़ेगा उसमें आपको गुजारा करना होता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ये कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के रत्नीरन में इनमें से कौन नहीं था? ग्रामीणी, भागदुदा, गोविकर्तन या फिर विस्पति? तो फटाफट लगाइए अपना आंसर। तो विस्पति इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन बौद्धों का दुश्मन कहलाता था? अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, महापद पद्मनंद या फिर बख्तियार खिलजी? तो फटाफट लगाइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी, पुष्यमित्र शुंग। देखिए वैसे जो था पुष्यमित्र, अगर शुंग के बारे में बात करूं तो ये ब्राह्मण था, और मौर्य साम्राज्य में आपको पता होगा ब्रह्मदत्त एक पर्सनैलिटी था, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करी थी। इसको मौर्य साम्राज्य से बड़ा ये जेलिस करता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो था वो बौद्धों के प्रति काफी दयालु था, उनका काफी प्रचार करता था। तो इसलिए माना गया है कि बौद्धों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो आपको ये चीज याद रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन का, शुंग का, चंदेल का, शक का? तो फटाफट लगा लीजिए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ए, सातवाहन। देखिए कौन से, किस वंश का कौन संस्थापक था, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी का एग्जाम कोई लड्डू एग्जाम नहीं है कि फटाफट बस केवल गए 3 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वापस आ गए। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, अब बिना पढ़े बात नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे बात बन जाए, क्या पता यही क्वेश्चन सबको एग्जाम में दिख जाए। विक्रम संवत जो शकों के काल में बना था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 58 AD, 58 BC, 72 AD या फिर 78 AD? तो ध्यान से पढ़िए, याद करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आ जाएगा अगर आपने पढ़ाई करी है तो। फटाफट लगाइए इसका राइट आंसर। देखिए
एक चीज मैं आपको साफ बता दूं कि विक्रम संवत जो है आपका, ये विक्रमादित्य से संबंधित है। विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, याद आया कुछ? इतना हिंट मैं दे रहा हूँ आपको, इतना हिंट मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है। आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं किस तरफ आपकी बात कर रहा हूँ, और इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो ये लीजिए अपना राइट आंसर, और एक बार, बस केवल एक बार विचार कर लेना कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो फ्रेंड, अभी भी वक्त, जैसे भी आपने काटा, जैसे भी आपने पढ़ाई लिखाई करी, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास समय है। दिसंबर का भी अंत नहीं हुआ है, चलिए मैं अगर अंत मान भी लेता हूँ, पूरा जनवरी पड़ा है, पूरा फरवरी पड़ा है, पूरा मार्च पड़ा है, 3 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप डेली के 5 घंटे भी स्टडी करते हैं ना, तब भी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, लेकिन पूरे ध्यान के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो। फ्रेंड, ये एक यूट्यूब का छोटा सा चैनल है, छोटा सा परिवार है। इसकी ग्रोथ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड तक, जो भी आपके फ्रेंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एग्जाम में जाने से पहले आपको विश्व के जो भी वॉर हैं वो याद रखने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता याद रखनी है, साइंस में आपको विटामिन पढ़ के जाना है, इम्पॉर्टेंट डेज आपको याद करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपका बेस स्ट्रांग होगा लुसेंट की नीली वाली बुक से। अगर आपने अब तक लुसेंट की बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ या तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए, या फिर हमारे चैनल पर उसके वीडियो कंप्लीट बन चुके हैं, उन सभी वीडियो को फॉलो करिए, वीडियो को देखिए, लेकिन बुक भी अपने पास में जरूर रखना। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा अच्छे से, तो इसलिए ये मैसेज उनके लिए नहीं था, ये मैसेज उनके लिए था जो पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल, बाय।